हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इजी भी हो रहा है, और ये जो है आप इसके कॉन्सेप्ट जो है 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, तो आपको कुछ नया सा नहीं लगेगा, आपको बहुत सी चीज़ें सिमिलर भी लगेंगी। आपने वोल्टेज पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वही सारी चीज़ें हैं, बट कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक्चुअली हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। तो सबसे पहले हम चार्जेस के बिहेवियर को कैटेगराइज करते हैं। देखिए, ये जो चार्ज है इसका बिहेवियर हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अगर चार्ज स्टेशनरी है, ठीक है, चार्ज या तो स्टेशनरी हो सकता है, तो इसको हम यहां लिख देते हैं स्टेशनरी। ठीक है, अगर चार्ज स्टेशनरी होगा तो उसका बिहेवियर जब हम पढ़ते हैं, तो उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस दो चैप्टर में। हमने एक चैप्टर पढ़ चुका है जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये वाला जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब चार्ज स्टेशनरी होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाला चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। ये दोनों में चार्ज जो है स्टेशनरी होता है और उसका बिहेवियर हम पढ़ते हैं। अब अगर चार्ज मोशन में हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। देखिए, जब चार्ज मोशन में है तो मोशन भी दो तरह का हो सकता है। एक तो है कि चार्ज मूव करे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। तो देखिए, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी जो स्टडी है वो हम ये थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट केस हो सकता है कि चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे। देखिए, चार्ज अगर जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं उसकी फिनोमेना, उसकी प्रॉपर्टीज, तो वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म का भी इफेक्ट आता है, तो उसको हम फर्दर आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो हमारा जो फोकस है ये थर्ड चैप्टर में, इसके ऊपर फोकस है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहां हम पढ़ेंगे जो चार्ज है एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अब हम इससे पहले आगे बढ़ें तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर वन इज करंट या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सिंपली करंट या इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कितनी रेट से फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, वही उसके अंदर जो करंट है उसको डिफाइन करता है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल आई भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल आई भी यूज करते हैं, दोनों अलग अलग जगह पे। और ये जो फॉर्मूला इसका होता है दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर डी क्या है? चेंज इन चार्ज है, और यहाँ पे चेंज इन टाइम है, यानी इतना अमाउंट डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हैज फ्लोन इन डी टी अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, क्यू बाय टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, देखिए ये जो है फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर द कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज एंड वेरिएबल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के लिए भी, लेकिन अगर कांस्टेंट हो जाए चार्ज का फ्लो, जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। और ये जो क्यू है और टी का जो रेशियो है हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाय टी। क्यू क्या है? ये चार्ज, ये है टाइम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम है। टाइम की यूनिट सेकेंड है, और आई की यूनिट क्या है? करंट की यूनिट एम्पियर होती, तो एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, सॉरी इसको हटाते हैं, सी लिखते हैं यहाँ पे। तो यो चार्ज की यूनिट है कूलम, टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? यदि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हुआ इन 1 सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो हम कहेंगे वहां से 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो यूनिट क्या हो गया? ए मतलब यहां पे क्या है? एम्पियर है। अब ये जो करंट है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो यहां देखिए, जो ये जो करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे आप।
तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट का एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मान लीजिए एक वायर है, कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? देखिए, जब वायर में जब हम पोटेंशियल देते हैं तो इसमें चार्ज फ्लो होता है, और इसमें चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है? इट फ्लोज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में और वही मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो मान लेते हैं अगर इधर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो यही साइन कन्वेंशन शुरू से माना गया है, जो भी करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन भले ही है बट ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, बिकॉज ये वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी फॉलो नहीं करता, ये स्केलर एडिशन फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, ये एक वायर है, इसमें से 5 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, और एक और वायर इधर से आ रहा है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और इन दो वायर के बीच में एंगल कितना है मान लेते हैं 60 डिग्री है। तो ये दोनों वायर यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक तीसरा वायर हमने अगर कर दिया है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी ये होगा तो यहाँ पे हम कैसे एडिशन करेंगे, ठीक है। इसमें आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस 2i1i2 cos 60 डिग्री होल अंडर रूट के अंदर रख के वो वाला फॉर्मूला यूज करते, रिजल्टेंट निकालते, बट यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं, सिंपली जो करंट इधर आ रहा है, जो करंट इधर आया, दोनों यहां जोड़ के सिंपली 8 एम्पियर हो जाता है। तो यहां पे ये स्केलर एडिशन फॉलो करता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन जो है, ये क्या होता है? इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप बात आप ध्यान में रखना। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके ऊपर हम जरा एक दो क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 6.25 × 10⁻¹⁸ एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मान लेते हैं ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट की वैल्यू दी है 1 एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको बताना है यहाँ पे जो चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे वो इतने चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है करंट का, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसमें से आई की वैल्यू तो दिया है 1 एम्पियर, और साथ में यहाँ पे नहीं दिया है ये टाइम, इट इज अंडर रूट, इट इज 1 सेकेंड। बिकॉज करंट की डेफिनेशन क्या कहती है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको दिया है टाइम 1 सेकेंड, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ चार्जेस। अब देखिए क्या है कि जो चार्जेस है इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो q को हम लिख सकते हैं q विल बी इज इक्वल टू n इंटू e अपॉन t। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट फ्लो होता है। तो q को हम लिख सकते हैं n e, और e की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करके हमें एक्चुअली n की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अब अगर फॉर्मूले में हम n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं i into t डिवाइडेड बाय e, ठीक है। अब इसकी अगर आप वैल्यू रखेंगे, i तो हो गया 1, t इज ऑल्सो 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। अब आप 10⁻¹⁹ को ऊपर ले जाते हैं तो ये 10⁻+¹⁹ हो गया, डिवाइडेड बाय 1.6 हो गया। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली इसका आंसर कितना आएगा? 6.25 × 10⁻¹⁹। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एम्पियर में एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू अ वायर ओवर टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अब देखिए ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, एक वायर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है 10 सेकेंड के अंदर में इस पूरे वायर में कितना चार्ज फ्लो हो गया। चार्ज निकालना है, करंट नहीं, चार्ज कितना फ्लो हो गया। तो आप देखिए ग्राफ से आपको दिख रहा है, ये जो है ये टाइम का एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ये करंट का एक्सिस है। टाइम सेकंड्स में दिया है, करंट एम्पियर में दिया है, ये 5 है यहाँ पे और ये 5 और 10 सेकंड्स यहाँ दिया हुआ। तो देखिए 0 से 5 सेकंड्स तक
करंट स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है? करंट 0 एम्पियर से बढ़ता बढ़ता यहां तक, ये देखिए कितना है, ये 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है 5 एम्पियर वाला है, ठीक है। फिर यहां से 5 सेकंड से 10 सेकंड तक करंट 5 एम्पियर ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो अब आपको बताना चार्ज कितना फ्लो हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चार्ज निकालने के लिए पहले आप देखिए करंट का अगर फॉर्मूला आप देखेंगे क्या होता है, दिस इज क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, यानी करंट और टाइम का प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पे ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है और ये करंट एक्सिस है वाई एक्सिस। तो यदि हम इसका एरिया निकालें तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। एरिया का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट। तो यानी टाइम और करंट का प्रोडक्ट ही होगा इसके अंदर का एरिया। तो अब इसका एरिया आप निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल या ये सॉरी स्क्वायर बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ ये इसका लेंथ है 5, यहाँ से यहाँ हाइट भी 5 है, ये 5 है और ये 5 है। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों का एरिया आप जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का अगर एरिया निकालें, इसको हम A1 बोल देते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, ठीक है। बेस कितना है, देखिए 0 से 5 तो बेस तो हो गया 5 और हाइट कितना, यहाँ से यहाँ 5 है तो हाइट भी 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 25/2, किसका एरिया हो गया, इसका 25/2। अब A2 हम निकाल लेते हैं, इसका एरिया स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा 5×5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 25, ठीक है। तो ये हो गया 25, तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1+A2 हो जाएगा, ठीक है। और A1 कितना है, 25/2 है, इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम 12.5+25। अब दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा इट विल बिकम 37.5, ठीक है। तो ये देखिए 37.5 हो गया। अब ये है क्या, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो ये 37.5 कूलम हो जाएगा। ये देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज क्यू इज इक्वल टू 5t² + 3t + 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम ए वायर, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर से, वो क्यू फ्लो हो रहा है और वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है 5t² + 3t + 1। यहाँ पे टी क्या है, टी वेरिएबल है और टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो ये यहाँ पे जो टी है टाइम वेरिएबल है और आपको पूछा क्या गया, वैल्यू ऑफ करंट है टी इक्वल टू 5 सेकंड, यानी जब 5 सेकंड होगा उस टाइम करंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो हमें यहाँ पे करंट का ये जो डिफरेंशियल फॉर्म वाला इक्वेशन है दैट इज dQ/dt, इसका यूज करना है यहां पे। तो यहां पे ये dQ/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे आप Q की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे तो d/dt ऑफ, ठीक है, 5t² + 3t + 1 हो जाएगा। और फिर यहां पे आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यदि आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो एक बार डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहां पे 5t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2×5t हो जाएगा, 3t का डिफरेंशिएशन सिंपली 3 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो i का एक इक्वेशन मिल गया आपको, दैट इज 10t + 3, ठीक है। तो ये हमको i का इक्वेशन मिल गया। अब हमें करंट की वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइम्स निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू रख के, और यहाँ पे पूछा गया 5 सेकंड में कितना निकालना है, यानी टाइम की वैल्यू यहाँ पे 5 रखना है। तो हम अगर कर दें एट t = 5 seconds तो करंट कितना हो जाएगा, दिस इज 10×5+3, 10 5 हो गया 50 और प्लस 3 करेंगे तो 53 करंट हो गया एंड दिस इज एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हो गई 53 एम्पियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने इसको बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।